स्टेयरिंग होएगा, ये होएगा, वो होएगा। अरे इधर गोवंडी झोपड़पट्टी नहीं है, तो मदनपुर आए हो, सब समझदार लोग है। गोवंडी झोपड़पट्टी नहीं है, तो मदनपुर आए हो, सब समझदार लोग हैं। एमएलए वारिस पठान द्वारा गोवंडी के लिए अपमानजनक कमेंट आने के बाद जहां एक तरफ गोवंडी की जनता में गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ गोवंडी की उड़ान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट ने भाई अखला पहुँच कर वहां के झोपड़ा वासियों से मुलाकात करके वारिस पठान के विकास की खोली पॉल। ये 40 साल से ये लोग इधर ही रह रहे हैं, मदनपुरे का इलाका है, ये लोग पिछले इतने गुर्बत में रह रहे हैं, बारिश में पानी भरता है, बहुत पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी उनको उठाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगी वारिस पठान जी से, वारिस पठान जी से तो देख लीजिए आपके ये मदनपुरा का हाल, ना आप इधर आए हैं, 40 साल से ये लोग इसी तरह गुर्बत में जी रहे हैं, बारिश में पानी भरता है, ये लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए देखिए, जोर से बोलिए, जोर से बारिश रहते हैं, बोलिए आप, बोलिए, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, अंकल का कहना ये है पिछले 40 साल से अंकल ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ के लोग ऐसे ही रह रहे हैं, ना यहाँ का एमएलए ने आके कभी पूछा है, ना किसी ने आके अंकल यहाँ का एमएलए कौन है? वारिस पठान। वारिस पठान गाड़ी में बैठो ना, गाड़ी में वोटिंग के लिए है, वोट के लिए है। नहीं नहीं सही बोल रहे अंकल,